मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज घूमने का प्लान है और यहाँ पे इवेंट्स वैसे चल रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप के लिए, तो आज हम पर्ल कतर जा रहे हैं, तो मैं वहाँ जाके आपको वहाँ का दिखाऊंगी। ये हम लगतपिया पहुंच गए हैं और ये देखिए लगतपिया में मतलब लास्ट मेट्रो जाती है, वहाँ तक जाना होगा और फिर यहाँ से आपको बस मिलेगी पल कतर के लिए। और ये कंटिन्यू 5-5 मिनट्स में बस यहाँ पे चल रही हैं और ये देखिए लाइन क्यू क्यू लगा हुआ है और हमारा नंबर ही जस्ट अभी आ जाएगा 5 मिनट्स में। और यहाँ से कुछ व्यू ऐसे दिखता है। बस में भी बहुत ज़्यादा क्राउड है इसलिए बस अच्छा है कि कंटिन्यू चल रही है। इतना सुंदर लग रहा है, पूरा अच्छे से डेकोरेट कर रखा है इन्होंने, काफ़ी लग्जरियस लग रहा है। पर्ल कतर में पहुंच गए हैं और यहाँ पे कुछ फोटोज क्लिक करा रहे थे, तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये यहाँ से ब्रिज भी दिख रहा था, ब्लू कलर की लाइट से और भी अच्छा से दिख रहा है ये और सुंदर लग रहा है ये। और इसके जो लेफ्ट साइड से है कुछ इस तरह से दिख रहा है इसका समुंदर का नज़ारा, ये इसका सी पॉइंट है। और ये देखिए लाइटों से वहाँ जो कुछ इवेंट चल रहा है, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे पानी में डांस होना है, तो इस ब्लॉग में बने रहिएगा। ये देखिए हम आ गए हैं पर्ल कतर और इस खूबसूरत नज़ारे को देखिए कितना सुंदर लग रहा है। रात में लाइटिंग वगैरह कितनी प्यारी हो रखी है यहाँ पे। और ये सब की ये जो बोट्स खड़ी हैं ये सब प्राइवेट बोट्स हैं, ये यहाँ पे अपना बुकिंग कई बार बुकिंग पे भी चलती हैं, अपना आराम से इसका टूर ले सकते हैं। और ये देखें यहाँ पे साइड में इसका वॉक वॉक का बना हुआ है, आप वॉक करते करते व्यू का आनंद लेते लेते घूम सकते हैं यहाँ पे। और इसके आसपास जो है ये रेस्टोरेंट्स हैं, शॉप्स हैं, कैफ़े भी है, तो बहुत ही अच्छा है ये। कुछ लग्जरियस एरिया में से एक है यहाँ पे बेस्ट प्लेस, तो यही पर्ल कतर माना जाता है। ये देखिए यहाँ का व्यू कुछ इस तरह से है, इतनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स हैं। ये देखिए आपको आवाज़ आ रही होगी मैच की, यहाँ पे ये टीवी स्क्रीन भी लगा हुआ है मैच देखने के लिए। ये अब हम जा रहे हैं कर्नाटक की तरफ, यहाँ पे कुछ इवेंट होना है। और ये देखिए कितना सुंदर सजाया हुआ, कितनी सुंदर ऊपर लाइटनिंग की हुई है बैलून जैसी, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है रात में।
ये जो पर्ल कतर है ये अप्रॉक्स 35 किलोमीटर्स में स्प्रेड है, मतलब 35 किलोमीटर्स में एरिया है ये पूरा। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर आइलैंड्स भी हैं, तो घूमने के लिए बहुत ही बेस्ट प्लेस है ये। ये पर्ल कतर का हाईली डेवलप्ड एरिया में से एक है, ये बेस्ट प्लेस है यहाँ का। और ये देखें यहाँ का कुछ इस तरह से व्यू है। आसपास की शॉप्स हैं, मरीन है, मरीना है, मैकडॉनल्ड्स भी होगा यहाँ पे। ये देखिए सब इवेंट की तरफ ही जा रहे हैं। और ये जो शो होता है ये 3 घंटे कंटिन्यू चलता रहता है, और हम थोड़ा अभी लेट हैं, देखते हैं कितना कवर मैं कर पाती हूँ। और ये देखिए आसपास की कुछ बिल्डिंग्स उसके आसपास का इवेंट में, तो कुछ इस तरह से दिखती हैं। ये देखिए इवेंट भी स्टार्ट हो गया है। Thank you.
ये अब हम बाहर निकल गए हैं बस के लिए और बाय वॉक जा रहे हैं। और जब बस की तरफ गए थे तो बहुत ही ज़्यादा क्राउड था, हमारा नंबर पता नहीं कब आता, इसलिए हम मेट्रो की तरफ वॉक के लिए गए और फिर वहाँ से हमने ट्रैम ले ली थी। ये ट्रैम देखिए अंडरग्राउंड चल रही है और मैं इसको इंजॉय करते हुए आगे फ्रंट सीट पे बैठी हूँ। और ये देखिए कितने अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, और अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।